आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो सभी लोग पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी की ओपनिंग और गृह भेंट की एंट्री कर लीजिएगा बहनों, क्योंकि यह सुबह सुबह जिन मैडम लोगों की ड्यूटी लगी है परियोजना विभाग में, उनकी तरफ से यह व्हाट्सएप पे ग्रुपों में मैसेज आता है कि आप लोग 8 बजे से आपके स्कूल को कर दिया गया है। वो टाइमिंग मैंने पहले भी बताई है बहनों आप लोगों को, तो आप लोग 8 बजे से जब भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र खुले तो सबसे पहले तो आप पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी की ओपनिंग कर लिया कीजिए। गृह भेंट जिन लोगों का अभी तक बाकी है उस चीज़ को आप कर लिया कीजिए। यहाँ पे बहनों दूसरी अगर हम खबर देखेंगे कि जिनके यहाँ आधार कार्ड अनवेरीफाइड है उसको वेरीफाई करवाइए। यहाँ पर लाडली बहना योजना की बात हो रही है। कई ऐसी महिलाएं थे हितग्राही जिनका आधार कार्ड सीडिंग नहीं है, ना ही बैंक में DBT इनेबल है, तो उन लोगों का आधार कार्ड जिनका वेरीफाई नहीं है उनका वेरीफाई करवाइए आप लोग दस्तावेज को लेके। सभी लोग पोषण ट्रैकर में बच्चों का वजन और लंबाई ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि आज 19 तारीख है बहनों। मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 तारीख के पहले पहले भर जाना चाहिए, जो कि अधिकारियों का आदेश है, परियोजना का आदेश है कि 20 तारीख के पहले पहले सभी बच्चों का वजन और लंबाई भर जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी गया है कि 20 तारीख तक रोज़ आप लोग वजन और लंबाई आप लोगों को रोज़ भरना है। तो कल 20 तारीख है, आज 19 तारीख है, तो आप लोग 20 तारीख के यानी कि कल के पहले तक पूरे बच्चों की लंबाई एवं वजन को भर लीजिए। आंगनबाड़ी खुलने की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। जिसे भी पोषण ट्रैकर चलाने में दिक्कत आ रही है वो मुझसे सीधे संपर्क करिए बहनों। मैं कई बार बोला हूँ, आप लोग सीधे कमेंट कर लिया कीजिए या आप खुद कमेंट में यह बता दिया कीजिए कि सर आप एक बार फिर से वीडियो बनाएं। हालांकि मैं कई बार वीडियो बनाया हूं कि पोषण ट्रैकर को आप कैसे यूज करें, कहां पे कैसे चलाएं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं, तो हम दोबारा उस चीज़ पर वीडियो बना सकते हैं। कल जिसने भी नहीं खोला था आंगनबाड़ी उनकी मानदेय की कटौती का भी प्रस्ताव दिया जा रहा है बहनों। तो कल बहुत सी ऐसी आंगनबाड़ी केंद्र थे जो नहीं खुले हैं, उनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। पहले तो ये लिस्ट देख लीजिए जो कि डेली ट्रैकिंग जो होती है उसका है, कि डेली ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होती है कि कितने आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं कितने नहीं खुले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कपूरी में टोटल एक आंगनबाड़ी केंद्र है और 0 यहाँ पे दिखा रहा है वो ओपन में, मतलब कि आंगनबाड़ी ओपन नहीं हुई है। बच्चे देखिए 0-0 यहाँ पे है। इतना ही नहीं, आगे देखिए उमरी तथा नरौवा तथा हिनौती, इन तीनों गांवों में एक एक आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र को खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ बच्चों की संख्या यहाँ पर 0-0 दिखाई दे रही है। मतलब कि ये लोग या तो आंगनबाड़ी केंद्र खोलते हैं, बच्चों को बुलाते नहीं हैं, या फिर बच्चों की यहाँ एंट्री करना पोषण ट्रैकर में भूल जाते हैं। यहाँ पे एक बहन को का नाम भी लिया गया है अधिकारियों के द्वारा कि सेक्टर अगडाल में कपूरी 2 का केंद्र नहीं खोला गया है 17 तारीख को। कार्यकर्ता का नाम सुमन मिश्रा है। तो सुमन मिश्रा बहन से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, हम नहीं चाहते कि किसी भी बहन का मानदेय किसी भी बहाने काट लें ये लोग, तो आप लोग याद से अपना ज़रूर खोल दिया कीजिए आंगनबाड़ी केंद्र। तो यहाँ पे देखिए कुछ सेक्टर और भी हैं बहनों, 17 तारीख का ही कि सेक्टर अगडाल, बहुरी बांध, दुआरी, खौर, महासाँव, यहाँ के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं कपूरी 2 यहाँ का भी मैं बता रहा था सुमन मिश्रा जी ने नहीं खोला है। इसके अलावा बहुरी बांध में टिकिया तथा बहुरी बांध 3 आंगनबाड़ी केंद्र, तुरकहा आंगनबाड़ी केंद्र, इसके अलावा लोही भीरी और भी ये जितने हैं ये लिस्ट यहाँ पे रहती है, लिख के मैडम लोग खुद सेंड कर देती हैं, कि उन लोगों को अलग से थोड़ा सा सोचें वो लोग की मॉनिटरिंग होती है, उसके बाद भी आप लोग नहीं खोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 9 बस्तर सेक्टर है, यहाँ पे 6 2 आंगनबाड़ी केंद्र है नहीं खुला है। राहट में 54 सपाहा तथा बरवाह, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम ये भी नहीं खुले हैं। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों में ध्यान दे दिया कीजिए। ये आंगनबाड़ी ऐसी हैं कि जो कल नहीं खुली थी, तो आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं पोषण ट्रैकर में, तो मैडम ने यहाँ पे नाराज़गी जाहिर कर दी है।
तो बहनों आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आप ज़रूर दीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र ज़रूर खोलिए और बच्चों की एंट्री भी उसमें कीजिए। जितने बच्चे आए हैं, ये नहीं कि सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिया कि आपका मानदेय बन जाएगा, जी नहीं। पोषण ट्रैकर को मानदेय से जोड़ा इसीलिए गया है कि जो पोषण ट्रैकर की दिन हर रोज़ की गतिविधियाँ हैं, तो वो गतिविधियाँ पूरा होने पर ही आपका मानदेय या सैलरी जुड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ एक आंगनबाड़ी केंद्र खोल देने से आपका जुड़ेगी, आपको वहाँ पे ग्रह भेंट भी करना है, बच्चों की लंबाई वजन भरने हैं, बच्चों की उपस्थिति भरनी है, साला पूर्व शिक्षा नाश्ता खाना, इतनी चीज़ें आपको वहाँ पे फीड करनी रहती हैं। तो बहनों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई आंगनबाड़ी बहनों तक यह वीडियो पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाता उन लोगों तक, इसलिए आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जिन बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बहनों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।